एग्जैक्टली Hello and welcome all to our channel That's Sports Mania, which is all about sports and sports lovers like us. और आप सब में भी बहुत सारे sports lover होंगे. तो हमें हम अपना पहला content डालने जा रहे हैं इस YouTube channel पे. तो हम start करने जा रहे हैं podcast से. मेरा नाम आस्था है. And guys, will you continue? Sure. My name is Jyoti. And my name is Chia. All right, guys. So हम आपको मिलते रहेंगे आगे के content में भी इसी तरीके से. So सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि हमने ये पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया है, क्यों ये आइडिया आया. आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी आ गया है पॉडकास्ट. तो चिया, आप बताओगे कि क्यों हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं? हाँ, जनता की वजह से, पब्लिक की वजह से, पब्लिक डिमांड में हमने सोचा कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग हम भी इतना पसंद है स्पोर्ट्स, कुछ करो ना. एग्जैक्टली हम स्पोर्ट्स फैंस हैं और हम इतनी जगह एक्सप्लोर करी है और इतने एनालिसिस करते रहते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्रुप हैं हमारे, इतने डिस्कशंस होते हैं. तो ज्योति, आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? नंबर वन रीजन, अरे तुम्हें ये सब पता है, भागे. हम बेसिकली उस टाइप के क्रिकेट फैंस हैं जो जानते हैं, नॉलेज रखते हैं. फोर टाइप्स कह सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल, हम वो वाले प्लेयर्स हैं. हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, मजे भी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मस्ती करते हैं. ये हमारे रीजन थे कि हमने सोचा चलो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो हमारा एपिसोड है जो कि है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड व्हाट सोसाइटी थिंक व्हेन वी से वी लव क्रिकेट. तो बेसिकली पहली चीज तो ये है कि हम तो हैं स्पोर्ट्स फैन, बट क्रिकेट शायद हमारा एक कॉमन बेस है जो कि मतलब हम जैसे हम तीनों हैं यहाँ पे, हम तीनों का फेवरेट है क्रिकेट. और इन सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, उन सबसे पहले हमें आपको एक चीज रिमाइंड करानी है. वो चीज क्या है ज्योति? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो प्लीज 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 हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करो और प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स में. स्पेशली अगर आप रिलेट करते हो तो प्लीज 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 शेयर. सबसे पहले तो क्रिकेट की बात करते हैं. एज अ फैन क्या मतलब क्रिकेट की क्या फीलिंग है आपके मन में? या तुमसे स्टार्ट करते हैं. काफी बार तो फ्री में ऑफर भी करते थे. और हम फुट वाले लवर्स भी थे क्रिकेट के. ये जो प्रेजेंटेशन के लास्ट अवार्ड तक, लास्ट इंटरव्यू तक तो बैठे थे. एग्जैक्टली मतलब कि अवार्ड सेरेमनी भी हमें सुनना है. मैन ऑफ द मैच क्या बोल रहा है, हमें सुनना है कि कैप्टन क्या बोल रहा है, स्पेशली कैप्टन क्या बोल रहा है. क्योंकि हमारा नहीं सिर्फ दूसरी टीम का भी कैप्टन क्या बोल रहा है, हमें वो भी जानना है. हम पैसे वाले क्रिकेट अंदर से फीलिंग जो आती है. और मुझे उन इन्फ्लुएंसर्स को देख के अंदर से कुछ लाकर कुछ नहीं आता पता. और क्रिकेट ग्राउंड में घूम रहे होते हैं क्रिकेटर्स के साथ. हाँ सीरियसली,
टू बी ऑनेस्ट वो एक जेलसी होती मुझे है तो उन कि लोगों से आता है जो लोग सिर्फ खाने के लिए स्टेडियम जाते हैं, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है। यार तुम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम पंजाबी हो, हमको थोड़ा खाना पसंद करो। सोचिए तुमसे स्टार्ट करते हैं कि क्रिकेट मतलब उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है तुम्हारी, कि कब से तुम्हें ये सब इसका क्रेज हुआ क्रिकेट का, कब से तुम्हें लगता है स्टार्ट हुआ ये सब, कुछ याद है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये सब? 2007 से पहले मैंने देखा है, फ्लैशेस याद है, फिर 7th का वर्ल्ड कप अपने दादा के साथ, जिससे उसको बहुत है देखना, तो उनके साथ देखा है तब से, जब से माही को इतने बालों में देखा था, लॉन्ग हेयर, हाँ बेसिकली कैप्टन है जो बहुत चर्चा में है उस वक्त। बेसिकली माही जब फर्स्ट टाइम कैप्टन बना था, तब से मतलब की मेमोरीज एकदम वैसी हैं तुम्हारी कि हाँ तब से कुछ नहीं भूले। और जो फ्रेश जो एक्जेक्टली अच्छी से याद है पिक्चर का, कि उससे पहले तो फ्रेश और तब से अब तक तो डे बाय डे क्रेज बढ़ी रहा है, प्यार बढ़ी रहा है, कम तो थोड़ा बहुत तो नहीं, कभी कभी मुझे तो लगता है कभी कभी मेरा क्रेज कम हो जाता है जब जब प्लेयर्स स्पेशली जो जब MSD ने रिटायरमेंट लिया था उस टाइम पे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा कभी क्रिकेट MSD से स्टार्ट नहीं हुआ था, पर जैसे उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मतलब कि अब कैसे वक्त बदल गया, मतलब पता ही था 2019 के बाद कि अब आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, बट वो जब अनाउंसमेंट मुझे नहीं लगा था एकदम से रिटायरमेंट आ जाए। सारे स्पोर्ट्स तो चलता है पर एक क्रिकेट के लिए स्पेशल स्पेस है यहाँ पर, ये है ना हॉट कैसे शुरू हुआ, वही सबके घर में बड़े लोग होते हैं क्रिकेट देखते होते हैं, बचपन में ऐसा होता था कि हाँ क्या है ये, बट फिर जब उनके साथ बैठते हैं वो हर एक बाउंड्री पे जो एक्साइटमेंट होती है या फिर वो जाके फटाफट उनके साथ बैठना कि हाँ आज मैच है, तो हाँ तब से शुरू हुआ है। फिर धीरे धीरे रहने वाली पोजिशन पे आ गए थे जो सिर्फ लास्ट मैच थे जो फाइनल का लगे हुए थे मेरी भी प्यार से तुम्हें कैसे प्यार हुआ? मुझे तो आई थिंक यार आई थिंक बहुत बहुत ही पहले की बात है, 4-5 साल या 5-6 साल, आई डोंट रिमेम्बर एज का होगी, आई थिंक 2002 में, 2002 इतनी बुद्धि नहीं हूँ मैं, याद है मुझे हर्षल गिब्स का सबसे पहले आया था वो 6 sixes वाला, युवराज सिंह का तो बाद में था 2007 वर्ल्ड कप में था शायद, वो T20 का था उसका, तब T20 था भी नहीं के टाइम, तो वही है कि बाबा देखते थे, जो जिनको नहीं समझ आता दादाजी बोलते हैं वो बाबा को, हमारे साइड बाबा बोलते हैं, तो बाबा देखते थे घर में, मतलब जनरली था कि सबको शौक था, मम्मी अपने टाइम पे तब तो टेलीकास्ट नहीं होता था, रेडियो भी सुनती थी, तो मतलब वो तो फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आती है तो उनका थोड़ा कम हो जाता है, बट सबको मतलब ऐसे पसंद तो था ही, बाबा को एकदम वैसा शौक था कि आ रहा है देखेंगे, और पहले आता भी था DD National पे, तो सारे मैचेस कोई इधर उधर हम लोग को जैसे अभी ढूंढना पड़ता है कि अरे इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है कैसे देखें, ये कैसे देखें, तो सहारा की जर्सी वो मेरा सबसे फेवरेट, तो आई थिंक उस टाइम पे, और उस टाइम से ही ऐसा था कि ये पर्टिकुलरली नहीं था कि इंडियन टीम है या ऐसा है कि इन्हीं को सपोर्ट करना है, मतलब अप्रिसिएशन सबके लिए था, तो साउथ अफ्रीका का पता नहीं क्या है, शायद हम लोग का एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड ने इतने जख्म दिए हम लोग को, फिर भी हम लोग का ऐसा लगता है कि हमें उनसे प्यार है, तो आई थिंक तब से था। फिर जब स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा हुआ वो तो ऑब्वियसली MSD का टाइम था, जब सौरभ गांगुली ने उनको वो किया ना, जब अपना शिफ्ट कर रहे थे वो MSD की तरफ, और अनिल कुंबले से टेस्ट कैप्टनसी गई थी MSD के पास, तो उस टाइम मैचेस देख रहे थे और उनके पास टेस्ट कैप्टनसी गई और तभी हम नंबर 1 भी हुए थे टेस्ट में, तो वो मतलब टाइम था उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि MSD का मतलब रिकॉग्निशन हो रहा था, ऐसा नहीं था कि क्या कितने अच्छे कैप्टन बनेंगे, वो पता नहीं क्या था, वो एक अंदर से फीलिंग थी कि ये लेजेंडरी इंसान है, कुछ ना कुछ तो मतलब है, होने वाला है, और होने वाला है कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, और अब हम लोग को कुछ बोलने की जरूरत तक नहीं है सुल्तान के लिए, तो मतलब कि जो ट्रू क्रिकेट फैंस वाली फीलिंग होती है कि पता होता है कि ये है कुछ करेगा, जैसे सरफराज वाली फीलिंग नहीं है कि इसको बस चांसेस देते रहो, बंदा तगड़ा है, तो वो वाली चीज है, ये तो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई।
या बोल ले ये आजकल के बच्चे